हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि फंक्शन असाइनमेंट, ओके। एंड देन हमने फाइनली बात की थी वेरिएबल स्कोप के बारे में कि हम एक वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, ओके। इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक मॉड्यूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आपके प्रोग्राम लिखने को काफ़ी ईजी बना देते हैं, ओके। बेसिकली मॉड्यूल्स के बारे में देखिए, अभी हम फंक्शंस पढ़ के आए हैं तो कई सारे फंक्शंस का जो कलेक्शन होता है उसको हम मॉड्यूल कहते हैं, ओके। कई सारे क्लासेस और फंक्शन के कलेक्शन को मॉड्यूल कहते हैं। इनका सिंपल डेफिनेशन क्या है कि मॉड्यूल वो कोड होते हैं, पीसेज ऑफ कोड होते हैं जो दूसरे लोग हमारे लिए लिखते हैं। देखिए, पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओके। तो आप चाहें तो आप कुछ भी बनाकर इसे मेन पाइथन में अपलोड कर सकते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी में अपलोड कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने कुछ मॉड्यूल अपना खुद का एक बनाया है तो आप चाहें तो इसे अपलोड कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपके मॉड्यूल को यूज़ कर पाए, ओके। सिमिलरली मॉड्यूल ऐसे ही लोग बनाते हैं एंड इसको पाइथन की लाइब्रेरी में अपलोड कर देते हैं ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वो अपने हिसाब से उन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन कर पाए, ओके। तो आज हम इस वीडियो में मॉड्यूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मॉड्यूल्स का कुछ बेसिक काम क्या होता है, जैसे जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। सपोज़ कि आपको अपने प्रोग्राम में रैंडम नंबर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है। चॉइसेस लेने हैं तो उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है। मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शन करना, काम करना है तो उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है। कैलेंडर से रिलेटेड काम करने के लिए मॉड्यूल है। डेट और टाइम के साथ काम करने के लिए मॉड्यूल है। फाइल मैनेज करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स बेसिकली ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए बनाए जाते हैं, ओके। इस वीडियो में आपको उन्हीं मॉड्यूल्स के कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा। डिटेल मैंने मॉड्यूल्स के ऊपर एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इनबिल्ट पाइथन मॉड्यूल्स। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ वो है रैंडम मॉड्यूल, ओके। देखिए, हर मॉड्यूल का एक नाम होता है और उसे हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है, ओके। तो अभी जो मैं फर्स्ट मॉड्यूल है उसका नाम है रैंडम मॉड्यूल, ओके। इसमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, मैं उनको अभी रन करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखना होगा, इंपोर्ट, ओके। देन मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल का मेरा नाम मेरा क्या है, रैंडम, तो मैं सिंपली इतना लिखता हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको 5 रैंडम नंबर्स प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 5। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारा ये लूप 5 बार चलना है, ओके। 0, 1, 2, 3, 4, यानी 5 बार ये लूप हमारा चलना है। फॉर लूप के बारे में हम डिटेल में पीछे बातें कर चुके हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल नाम का। इसमें क्या करता हूँ मैं, देखिए मॉड्यूल ये रैंडम है, इसमें एक फंक्शन है रैंड इंट, ओके, मैं उसको कॉल करने वाला हूँ। तो ऐसे फंक्शंस कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम मेरा देखिए रैंडम है, इसके अंदर एक फंक्शन है रैंड इंट, मैं इसको कॉल करने वाला हूँ, ठीक। रैंड इंट में हमें दो वैल्यूज़ पास करनी होती हैं। फर्स्ट वैल्यू हमें पास करनी होती है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, देखिए a, b, एंड b बताता है कि कहाँ पे एंड करना है, ओके। तो सपोज कीजिए आप 1, 6 पास करते हैं तो ये 1 और 6 के बीच में कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा, ओके। सपोज कीजिए मैं 1, 10 पास करता हूँ, ओके, तो ये क्या करेगा, अभी 1 से 10 के बीच में कोई रैंडम नंबर्स प्रिंट करेगा, ओके। प्रिंट अगर मैं वैल करूँ, देखिए इस प्रोग्राम को रन करूँ, देखिए 5, 4, 2, 10, 3, ये 5 रैंडम नंबर्स हैं और ये 1 और 10 के बीच में है, ओके। तो देखिए इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा, रेंज की तरह नहीं कि रेंज में देखिए 5 इंक्लूड नहीं होता, 4 ही तक होता है, बट रैंड इन फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट भी इंक्लूड होगा, 1 भी, तो 10 भी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कोई भी एक रैंडम वैल्यू आ सकती है, ओके। तो सपोज मुझे 10 रैंडम नंबर चाहिए तो मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, देखिए 9, 2, 3, 5, 3, 1, 4, 3, 2, 6, तो ये 10 रैंडम नंबर्स मेरे पास जनरेट हो गए, ओके। एंड सपोज़ ये आपको कहाँ से चाहिए, 20 से लेके 45 के बीच में रैंडम नंबर्स चाहिए, तो 20, 45 पास करेंगे, ध्यान रखिए 20, 45 इंक्लूडेड होगा, देखिए 38, 26, 24, 40, 35, 28, 36, 37, 21, 25, तो मेरे पास 10 रैंडम नंबर्स इस तरीके से जनरेट हो गए, ओके। तो रैंड इन फंक्शन जो है रैंडम मॉड्यूल का, देखिए रैंडम मॉड्यूल में रैंड इन फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है, ओके। होप्सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, DIR फंक्शन, डायरेक्टरी फंक्शन के बारे में।
इसमें क्या होता है, डायरेक्टिव फंक्शन की मदद से हम जान सकते हैं कि किसी भी मॉड्यूल में कितने कितने फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन। अभी देखिए मैं रैंडम फंक्शन यूज़ किया, बट आपको नहीं पता कि ये फंक्शन इस मॉड्यूल में है। ओके, तो क्या करेंगे आप, सिंपली प्रिंट करेंगे, प्रिंट dir मतलब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब बताता है कि इसमें हम एक मॉड्यूल का नाम पास करते हैं एंड ये बताता है उसके अंदर कौन कौन से क्लासेस और फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर मैं रैंडम लिखूँ इसके अंदर, ओके, एंड रन करूँ इस प्रोग्राम को, देखिए इसमें जो फंक्शंस और क्लासेस लिखी होंगी उनके नाम यहाँ पे प्रिंट होंगे। देखिए जो ये डबल अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं ये सब क्लासेज हैं। ओके, ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं ये कुछ कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्स्टेंट हैं, कॉन्स्टेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। ये जो डबल अंडरस्कोर से लिखा है ये क्लासेज हैं एंड देन ये जो नीचे फंक्शन लिखे गए हैं ये सब फंक्शंस हैं। ओके, तो इसमें हम कुछ फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए अभी मैंने रेंड इन किया, देखिए ये रेंड इन फंक्शन है। ओके, तो रेंड इन फंक्शन कैसे काम करता है उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हेल्प अगर आप टाइप करें, सॉरी हेल्प रैंडम डॉट रेंड इन अगर आप टाइप करें तो आप देखेंगे इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, देखिए हेल्प ऑन मेथड रैंड इंट इन मॉड्यूल रैंडम रैंड इंट ए कोमा बी मेथड ऑफ रैंडम रिटर्न रैंडम इंटीजर इन रेंज ए कोमा बी ओके इंक्लूडिंग बॉथ इन पॉइंट्स। तो देखिए मुझे पता चल गया कि रैंड इंट क्या करता है, ये ए कोमा बी के बीच में रैंडम इंटीजर्स रिटर्न करता है और ए कोमा बी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप हेल्प फंक्शन और DIR फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और मॉड्यूल मैं आपको दिखाता हूँ, मैथ मॉड्यूल। ओके, ध्यान रखिए ये सब हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होते हैं, इनको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैथ मॉड्यूल को कॉल करता हूँ। ओके, देखिए इंपोर्ट कर लिया मैंने मैथ मॉड्यूल। इसमें अभी क्या करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है SQRT फंक्शन, SQRT मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, सपोज़ कीजिए मेरे पास एक नंबर है, इसमें वैल्यू क्या है 100। ओके, देखिए मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट, ठीक, देखिए मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम मैथ, देखिए मैथ डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है SQRT, इसमें एक हमें वैल्यू पास करनी होती है, जिसका भी स्क्वायर रूट हमें निकालना है उसकी वैल्यू पास करनी होती है। मुझे इस नम वेरिएबल का स्क्वायर रूट यानी 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, मैं इसमें नम पास करता हूँ, अगर रन करूँ देखिए 10.0, तो 100 का स्क्वायर रूट जो आया वो 10 आया। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे इसके अंदर कई सारे फंक्शंस और डिफाइन है। सपोज़ कीजिए आपको पाई की ज़रूरत है कहीं पर, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज ये मैं प्रिंट करूं, मैथ के अंदर एक कांस्टेंट डिफाइन है पाई, ठीक। अभी हम जानते हैं पाई की वैल्यू अगर आप अपने प्रोग्राम में 3.14 लेते होंगे, बट अगर आपको और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप मैथ डॉट पाई अगर प्रिंट करें, देखिए तो इसकी पाई की कुछ एक्यूरेट वैल्यू आ गई 3.14159265 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू। ओके, तो इसके भी अंदर मैथ मॉड्यूल के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल में अपने प्लेलिस्ट यानी इनबिल्ट पाइथन मॉड्यूल्स वाले प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसमें कई सारे फंक्शन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अभी इस पर भी मैं DIR फंक्शन लगा के दिखाता हूँ मैथ मॉड्यूल पे, तो मैथ मॉड्यूल देखिए मैंने लगाया एंड इसको रन करूँ मैं, तो अभी मुझे इसमें जितने फंक्शंस और क्लासेज उनके नाम पता चल जाएंगे। देखिए ये जो डबल अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं ये सब क्लासेज हैं एंड जो बिना डबल अंडरस्कोर के हैं ये सब फंक्शंस। ओके, तो देखिए कई सारे फंक्शंस हैं, ए कॉस, ए कॉ, ए साइन, सील, कॉपी साइन, कॉस, ई, ई आर एफ, एक्सपोनेंट, फेब्स, एफ सम, गामा, जी सी डी, इज इन, लॉग 10, लॉग 2, ये सब निकालना, पाई, पावर, रेडियन। ओके, तो इन सब ये सब कई सारे फंक्शंस हैं। तो अभी मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आपने DIR फंक्शन देख लिया। ओके, इसके अंदर देखिए ये पावर एक POW नाम का एक फंक्शन है, इसको सपोज कीजिए मुझे जानना है कि ये क्या करता है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली टाइप करूँगा हेल्प मैथ डॉट POW। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए क्या लिखा है, हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन POW इन मॉड्यूल मैथ, पावर में देखिए क्या कह रहा है, x, y दो वैल्यूज हमें पास करनी है और ये हमें क्या करता है, रिटर्न x की पावर y, डबल स्ट्रिक यानी x की पावर y, x टू द पावर y हमें रिटर्न करता है। ओके, तो अब मैंने जान लिया कि ये पावर फंक्शन क्या करता है एंड DIR से हमने जान लिया कि कितने सारे फंक्शंस हैं। ओके, तो अभी मैं पावर फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ओके, एंड सबसे पहले एक सपोज कि मुझे 2 की पावर 3 प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैथ मॉड्यूल का नाम, देन फंक्शन का नाम मैथ डॉट POW था हमारे फंक्शन का नाम, इसके अंदर आपको दो वैल्यूज पास करनी है, देखिए x, y, मैं दो वैल्यू पास करता हूँ 2, 3,
2 हमारा बेस होगा, 3 पावर होगी। अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए मेरे पास 2 की पावर 3 प्रिंट हो गई 8.0। ओके, तो इस तरीके से मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यूज़फुल फंक्शंस हैं, बट मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो एक एक ही कर रहा हूँ। ओके, होप्स ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी क्या करता हूँ कि मैं एक फाइनल मॉड्यूल दिखाता हूँ। कई सारे मॉड्यूल्स हैं बट उनको मैंने डिटेल में अपने प्लेलिस्ट इनबिल्ट पाइथन मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ओके, सपोज़ कीजिए आप क्या चाहते हैं, आपको अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोकना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मेरे पास एक मॉड्यूल है टाइम मॉड्यूल। ओके, मैं क्या करता हूँ, देखिए प्रिंट लिखता हूँ वेट, इस प्रिंट सिंपली लिखता हूँ वेट, देखिए ठीक। एंड मैं क्या करता हूँ, टाइम में एक फंक्शन है, टाइम मॉड्यूल में एक फंक्शन है स्लीप नाम का, मैं इसको कॉल करता हूँ एंड इसमें 5 वैल्यू पास करता हूँ। ठीक, देखिए क्या करता हूँ, 5 वैल्यू पास करता हूँ सिंपली। एंड इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास वेट प्रिंट होगा, देखिए वेट, एंड 5 सेकेंड तक रुका रहेगा ये प्रोग्राम, देन अगला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, देखिए हेलो वर्ल्ड अभी प्रिंट हुआ, 5 सेकंड बाद ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। अगर मैं यहाँ दो, इसके बाद मैं क्या करूँ, टाइम डॉट स्लीप, सपोज कि यहाँ पर मैं 3 पास करता हूँ एंड प्रिंट करता हूँ कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस है सपोज़ कीजिए। ओके, एंड मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, देखिए 5 सेकंड हेलो वर्ल्ड के लिए रुके रहेंगे, देन 3 सेकंड वाई सो सीरियस के लिए रुके रहेंगे, देखिए हेलो वर्ल्ड, देन अभी ये प्रोग्राम रुका हुआ है, देन 3 सेकंड बाद मेरे पास सामने वाई सो सीरियस प्रिंट हो गया। ओके, तो कई सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फंक्शंस काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे प्रोग्राम्स को ईजी करने में। ओके, होप्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, वापस एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करता हूँ, मैथ मॉड्यूल। ओके ठीक, अभी देखिए ये मैंने पहला तरीका बताया कि आप किसी मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, सपोज़ कि आपको सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए, सपोज़ ये मेरे पास पाई जो हमारे पास कांस्टेंट था, मुझे सिर्फ वही चाहिए, या पावर जो हमारे पास मॉड्यूल था, सॉरी फंक्शन था, सिर्फ वही चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, हमें लिखना है फ्रॉम, ठीक, मॉड्यूल का नाम, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम इम्पोर्ट POW। देखिए हमने पावर के बारे में डिस्कस की। ओके, तो मैंने क्या किया, अभी जब मैंने मैथ इंपोर्ट मैथ किया था, तो मैथ के साथ सारे मॉड्यूल्स जितने भी फंक्शन थे वो सब इंपोर्ट हो गए थे। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ पावर को ही इंपोर्ट करना चाहता हूँ, बाकी सारे फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं करना चाहता। देखिए ऐसा इसलिए है, अगर आप पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपका प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके, बट अगर आपको सिर्फ एक फंक्शन की जरूरत है और आप उसी को इंपोर्ट करें, तो आपको प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर पूरा कर लेते हैं तो प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सिंपली यहाँ प्रिंट करूँ, देखिए अगर मैं इंपोर्ट मैथ करता तो मुझे लिखना होता है मैथ डॉट POW, बट अगर मैं ये यूज़ करता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW, तो मुझे सिंपली यहाँ पर, अब देखिए मैथ डॉट नहीं लगाना, सिर्फ POW अगर मैं लिख दूँ 2,3, तो मेरे पास सेम रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, देखिए 8.0। ओके, तो जब आप इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं कोई एक फंक्शन, तो आपको यहाँ मॉड्यूल का नाम डॉट नहीं लगाना पड़ता। ओके, आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एक और मेरे पास एक कांस्टेंट था PI, इसका भी हमने देखा था कि ये पाई की वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक, तो मैंने इसको भी देखिए इंपोर्ट किया, POW फंक्शन और पाई कांस्टेंट, और अगर मैं पाई यहाँ सिंपली लिख दूँ, अब देखिए मेरे पास पाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो ये दूसरा तरीका था किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। ओके, सिमिलरली मुझे कोई और फंक्शन चाहिए, सपोज कीजिए SQRT चाहिए, तो अभी देखिए मैं तीसरा यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, एंड प्रिंट करता हूँ SQRT, सपोज कीजिए मुझे 400 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन पावर में 2,3, तो 2 की पावर 3 प्रिंट हुई, सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में पाई की वैल्यू प्रिंट हुई, एंड थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट में जो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमने लिखा है तो 20 प्रिंट हुई। ओके, तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, एंड ये मेरा दूसरा तरीका था। एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट, अभी देखिए मैं एक बार में एक ही फंक्शन इंपोर्ट कर रहा था, अगर मैं यहाँ स्टार साइन लगा दूँ तो इसका मतलब है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल। ओके, तो दो कितने सारे हमने देखे, 3 तरीके पढ़े। सबसे पहला तरीका है इंपोर्ट मैथ का, देन फ्रॉम मैथ, देखिए इसी मैं मैथ मॉड्यूल पे दिखा रहा हूँ, आप इसमें कोई मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW, PI। ओके, एंड देन तीसरा तरीका क्या है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल, स्टार मतलब ऑल, ठीक,
तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल करते हैं, तो ये क्या करेगा, सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर देगा, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो उसको इंपोर्ट कर देगा। ओके, तो सिंपली अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पाई लिख सकता हूँ। ओके, प्रिंट पाई करूँगा, देखिए पाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो इंपोर्ट ऑल करते हैं तो आपको अगेन मैथ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, बट अगर आप इंपोर्ट मैथ ऐसे करते तो आपको यहाँ मैथ डॉट पाई लिखना होता। ओके, होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। एंड चलिए एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं जो अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एरर आएगी, इंपोर्ट एरर। सपोज़ कि मैं एक मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट सम अंडरस्कोर मॉड्यूल। देखिए ये मॉड्यूल है नहीं। ओके, ऐसा कोई मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ अपने मन से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक एरर आएगी, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड सम मॉड्यूल। ओके, तो ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एरर्स आती है जब हम कोई ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लें जो अवेलेबल नहीं है। ओके, होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या है एक फाइनल तरीका क्या है, देखिए अभी हमने तीन तरीके बात किए, ठीक, एंड एक फाइनल तरीका मैं अब आपको बताता हूँ, चौथा तरीका। इसमें क्या है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW एज पी। देखिए इसमें क्या किया, मैंने फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट एक फंक्शन पावर फंक्शन को इंपोर्ट किया है, बट मैं उसे पावर फंक्शन पूरा नहीं लिखना चाहता हूँ, सिर्फ पी लिखना चाहता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पावर को पी लिखकर भी रन कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं प्रिंट करूँ पी एंड इसमें दो वैल्यूज पास करूँ 2.3 एंड रन करूँ प्रोग्राम को, सॉरी यहाँ पर एरर आई है, ओप्स, एक्चुअली मैं एक फंक्शन को नहीं, एक मॉड्यूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंपोर्ट मैथ एस पी करूँ। ओके, एंड देखिए अब मैं मैथ मॉड्यूल को सिंपली पी लिख सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पी डॉट पी ओ डब्ल्यू लिखूँ तो देखिए अब भी काम चल जाएगा, जहाँ मैं मैथ डॉट पावर लिखता था अब मैं मैथ को पी लिख सकता हूँ। ओके, पी डॉट पावर, इसको एम कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाए। ओके, एम डॉट पावर मैं इसको अब यूज़ कर सकता हूँ, नेम एम, ओप्स, एक्चुअली मैंने इसको क्या किया है कि कमेंट करके रखा है, इसलिए ये बार बार एरर आ रही है। देखिए 8.0, ओके, इंपोर्ट मैथ है जेम, तो मैं मैथ को अब कहीं भी एम की तरह यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मुझे पूरा मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका कब काम आता है, कई बार मॉड्यूल्स के नाम काफ़ी बड़े होते हैं तो बार बार उन्हें लिखने से बढ़िया कि आप उन्हें एज ऑपरेटर यूज़ करके कोई एक छोटा नाम दे दें, जैसे मैंने एम दे दिया मैथ को एम, तो अब आप इसे सिंपली एम डॉट पावर लिख सकते हैं। ओके, तो ये थे मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ बातें, होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।